नमस्कार, सिटी स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। लीमखेड़ा तहसील के दूधिया गांव के पास स्थित किसान सेवा केंद्र नामक पेट्रोल पंप पर पिछले महीने 7 से 8 लुटेरों ने समूह बनाकर मुंह पर नकाब बांधकर लोहे के सरिये, फावड़े और हाथों में डंडे तथा बंदूक जैसे मारक हथियारों के साथ पेट्रोल पंप पर निद्रा में सो रहे कर्मचारियों से मारपीट कर बंदूक दिखाकर पेट्रोल पंप के ऑफिस से 45,000 रुपये की नकदी, 4 मोबाइल फ़ोन तथा चांदी के कड़े समेत कुछ 53,500 के मालमत्ता की लूट कर वारदात को अंजाम देकर वहां से रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद पेट्रोल पंप के मालिक ने लीमखेड़ा पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक प्रेमवीर सिंह ने सीधी सूचना तथा लोकल क्राइम ब्रांच के PSI PP यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच तथा पंचमहल जिला के आरएम सेल के साथ मिलकर अलग अलग टीम बनाकर पुलिस कार्रवाई में जुट गई। धानपुर पुलिस थाना क्षेत्र में तार लूट जैसे अपराधों में शामिल अपराधियों को पकड़ने हेतु धानपुर के पास संजोई गांव के 3 रास्ते पर नाकाबंदी किया गया था। तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण उन्हें पकड़कर उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम किरण सिंह समर सिंह मोहनिया निवासी संजोई धानपुर दाहोद, किरण रमेश नीनामा निवासी छोटी वाव सिंगर दाहोद तथा ललित भाई रमेश भाई संतोष निवासी हीरापुर सिंगर दाहोद को पकड़कर थाने लाकर घनिष्ठ पूछताछ करने पर उन्होंने लीमखेड़ा तहसील के दूधिया गांव के किसान सेवा केंद्र नामक पेट्रोल पंप पर हुई लूट कबूल करने पर पुलिस ने तीनों अपराधियों की तलाशी लेने पर पुलिस को वारदात में उपयोग की गई चोरी की मोटरसाइकिल जिसकी कीमत 25,000, देसी कट्टा बनावटी व माउजर पिस्तौल की कीमत 15,000, 3 मोबाइल फ़ोन की कीमत 5,000 समेत 50,500 की मुद्दत माल को पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्रवाई में हाथ में ली। पकड़े गए तीनों अपराधियों की दाहोद लोकल क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा घनिष्ठ पूछताछ करने पर तीनों अपराधियों ने संजोई गैंग के मुखिया किशन समर सिंह अपने 7 से 8 साथीदारों के साथ गैंग बनाकर दिन में रेकी और योजनाबद्ध लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। गौरतलब हो कि किशन समर सिंह मोहनिया जो संजोई गैंग का मुख्य सूत्रधार है, सन 2011 में पंचमहल जिले में धार लूट जैसे संगीन अपराधों में अपने साथीदारों के साथ पकड़े जाने के बाद देवगढ़ बारिया जेल तथा राजपिपला जेल में जेल काटकर 2017 में जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से साथीदारों के साथ गैंग बनाकर अभी हाल ही में राजकोट शहर में मोटरसाइकिल चोरी करके लाया था, जो किसान सेवा केंद्र नामक पेट्रोल पंप की लूट को वारदात देने में शामिल हुआ। दाहोद से साजिद मलिक की एक रिपोर्ट। गई 9 अप्रैल 2018 रात्र 3 वाग्याना सुमारे लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन विस्तार में दूधिया गाँव में किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर दुकानीधारी किस्मोए आवी ने पेट्रोल पंप पर लूट चलावेली हती। आम पेट्रोल पंप पर काम करता लोगों 4 मोबाइल और रोकड़ रकम एम मड़ी ने लगभग 53,000 रुपया की धाड़ पाड़ेली हती। आ अनुसंधाने 31/18 395/397 आर्म्स एक्ट मुजबन गुनो दाखिल थे। जिल्लानी LCV SOG अने अन्य पुलिस टीमों आ गुना ने शोधवा माटेना प्रयास करती थी। ते दरमियान LCV SOG अने RRSI टीमों ने बातमी मळता आ गुनाना कामे एक किशन मोहनिया અને કિરણ ભાઈ રમેશ ભાઈ નિનામા અને લલિત રમેશ ભાઈ સતો આ 3 જણાને અટક કરવામાં આવેલ છે અને એ લોકો પાસેથી 2 મોબાઈલ, લગભગ 5,000 રૂપિયાની રોકડ રકમ અને એક પિસ્તોલ જે છે એ કબજે કરવામાં આવેલ છે। આમાં જે મુખ્ય એક આરોપી કિશન સમરસિંહ મોહનિયા છે એ સંજોઈ ગામના રહેવાસી છે અને એ ભાઈ 2011-12 હાદસામાં લગભગ 7-8 લૂંટ ધાડ અને ઘરફોડના ગુનાઓ માટે કરવામાં આવે અને ત્યારથી આ રાજ્યની વિવિધ જેલોમાં હતો। 2017 એ જેલમાંથી છૂટ્યા પછી ફરીથી આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થયા છે। બાકી જે સાગરતો છે એને શોધવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। એટલે ટોટલ કેટલા છે આમાં લૂંટમાં? આમાં લગભગ 7-8 લોકો છે, બાકીને મુખ્યમાં આવી ગયો છે મુખ્ય। ઓકે સર।